नंबर में है आयरन मैन, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट था $140 मिलियन, कलेक्शन किया था $585 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। दो नंबर में है द इनक्रेडिबल हल्क, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बजट था $130 मिलियन, कलेक्शन किया था $265 मिलियन और इसको एवरेज का टैग मिला था। तीन नंबर में है आयरन मैन 2, जो 2010 में रिलीज हुई थी। बजट था $170 मिलियन, कलेक्शन किया था $624 मिलियन और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। चार नंबर में है थॉर, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट था $150 मिलियन, कलेक्शन किया था $449 मिलियन और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। पाँच नंबर में है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट था $140 मिलियन, कलेक्शन किया था $370 मिलियन और इसको हिट का टैग मिला था। छह नंबर में है द अवेंजर्स, जो 2012 में रिलीज हुई थी। बजट था $220 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.519 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सात नंबर में है आयरन मैन 3, जो 2013 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.215 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। आठ नंबर में है थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो 2013 में रिलीज हुई थी। बजट था $150 मिलियन, कलेक्शन किया था $645 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। नौ नंबर में है कैप्टन अमेरिका द विंटर, जो 2014 में रिलीज हुई थी। बजट था $170 मिलियन, कलेक्शन किया था $715 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। दस नंबर में है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, जो 2014 में रिलीज हुई थी। बजट था $170 मिलियन, कलेक्शन किया था $770 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 11 नंबर में है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो 2015 में रिलीज हुई थी। बजट था $365 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.403 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 12 नंबर में है एंट मैन, जो 2015 में रिलीज हुई थी। बजट था $130 मिलियन, कलेक्शन किया था $519 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 13 नंबर में है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो 2016 में रिलीज हुई थी। बजट था $250 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.153 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 14 नंबर में है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो 2016 में रिलीज हुई थी। बजट था $165 मिलियन, कलेक्शन किया था $665 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 15 नंबर में है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो 2017 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $870 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 16 नंबर में है स्पाइडर मैन होम कमिंग, जो 2017 में रिलीज हुई थी। बजट था $175 मिलियन, कलेक्शन किया था $879 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 17 नंबर में है थॉर रैग्नारोक, जो 2017 में रिलीज हुई थी। बजट था $180 मिलियन, कलेक्शन किया था $850 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 18 नंबर में है ब्लैक पैंथर, जो 2018 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.336 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 19 नंबर में है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो 2018 में रिलीज हुई थी। बजट था $300 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.048 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 20 नंबर में है एंट मैन एंड द वॉस्प, जो 2018 में रिलीज हुई थी। बजट था $130 मिलियन, कलेक्शन किया था $623 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 21 नंबर में है कैप्टन मार्वल, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था $175 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.128 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 22 नंबर में है अवेंजर्स एंड गेम, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था $400 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.798 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 23 नंबर में है स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था $160 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.132 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 24 नंबर में है ब्लैक विडो, जो 2021 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $380 मिलियन और इसको हिट का टैग मिला था। 25 नंबर में है शांग-ची द लेजेंड ऑफ, जो 2021 में रिलीज हुई थी।
बजट था $150 मिलियन, कलेक्शन किया था $432 मिलियन और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। 26 नंबर में है Eternals, जो 2021 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $400 मिलियन और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। 27 नंबर में है Spider-Man No Way Home, जो 2021 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.920 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 28 नंबर में है Doctor Strange in the Multi, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $952 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 29 नंबर में है Thor: Love and Thunder, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था $250 मिलियन, कलेक्शन किया था $745 मिलियन और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। 30 नंबर में है ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरएवर, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $859 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 31 नंबर में है Ant-Man and the Wasp: Quantumania, जो 2023 में रिलीज हुई थी। बजट था $326 मिलियन, कलेक्शन किया था $476 मिलियन और इसको हिट का टैग मिला था। 32 नंबर में है Guardians of the Galaxy Volume 3, जो 2023 में रिलीज हुई थी। बजट था $250 मिलियन, कलेक्शन किया था $845 मिलियन और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 33 नंबर में है The Marvels, जो 2023 में रिलीज हुई थी। बजट था $274 मिलियन, कलेक्शन किया था $206 मिलियन और इसको फ्लॉप का टैग मिला था।